वेल हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में, जिसमें कि हम फिर से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्क मल्टीप्लेयर, जिसमें कि हमारे साथ है फ्योनिक्स भाई। इनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो घर आपको दिख रहा है ना, ये भी इन्होंने बनाया है, मतलब अकेले में बनाया है, तो एक सब्सक्राइब उनके लिए भी बनता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और देखो भाई, यहाँ पर रेड हुई थी अभी पीवीपी सर्वर है, ठीक है, और सब कुछ डैमेज करके चले गए और यहाँ की सीढ़ियाँ भी तोड़ दी, आपने देखा होगा पीछे। तो इसलिए हम अब जो है बैटलमेंट वॉल लगाने वाले, मतलब बाउंड्री बनाने वाले, एक पूरे इस घर को एकदम राउंड राउंड कर देंगे, एकदम सेफ्टी के फुल एकदम। सो इसलिए वो फियोनिक्स भाई वुड कलेक्ट कर रहे हैं और मैं थैच कलेक्ट कर रहा हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड का मजा लो, ठीक है, रिसोर्सेस कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा वो टाइम लगने वाला है। ओके, तो 1000 थैच जो है कलेक्ट हो चुके हैं, और आप भी कह रहे होगे भाई 1000 थैच में क्या होने, रुको जरा सबर करो, बहुत सारा थैच अभी कलेक्ट करने का रह रहा है, ठीक है। ये ट्रैप डोइड्रिकस के लिए बनाया था, जो कि हमें स्टोन कलेक्ट करके दे, लेकिन आपको तो पता ही है भाई, पीवीपी सर्वर में कुछ भी एकदम ढंग से नहीं होता है, ठीक है। सो उन्होंने डोइड्रिकस को भी मार दिया, ठीक है, और साइड में उनका बेस था फियोनिक्स भाई ने ऑफलाइन में उनका रेक्स भी मार दिया, जो कि एक मैक्स लेवल का था, और उनका बेस भी तोड़ दिया। तो उसके बाद वो फिर से नहीं आए भाई सर्वर में, फिर से अब सर्वर में हम दोनों ही खेल रहे, तो जो भी आएगा उसको पेल देंगे, पूरा सर्वर जो है ना हमने हथिया लिया है एक टाइप से। ओके, तो देखते हैं इसमें कुछ आया है या फिर नहीं। और यहाँ पर ये इरीगेशन सिस्टम बनाई है, ठीक है, पहली बार ही बनाई है, वो भी सोलो में नहीं, इसमें मल्टीप्लेयर में। ओके, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब अभी अभी लगाए, ठीक है, थोड़ी देर में दे देंगे। और यहाँ पर ये दो दो कंपोज बिन फर्टिलाइज़र के लिए, और फिर से चलते हैं थैच कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वॉल बनानी है और रेनफोर्स गेट भी बनाने हैं। ओके गाइस, तो फियोनिक्स भाई कह रहे हैं कि एक पैटर्न डॉन्ट हम कर लेते, क्योंकि हमारे पास कोई भी एकदम एक भी टेम डायनासोर नहीं है, ठीक है, फ्लायर भी नहीं है। एक था हाई लेवल का अर्जेंट, पता नहीं रैंडम बंदे ने गिफ्ट करा था, उसको भी मार दिया, ठीक है। तो अब हाई लेवल का एक पैटर्न डॉन देखते हैं दोनों के लिए, एक एक और उनको टेम करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ बोला के लिए। ओके, इतना बहुत है। ठीक है, तो मैक्स कितने बन पाएंगे, 3 बना लेते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। इसको हॉट बार में सेलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं, ठीक है, ये कितने लेवल का है, 60 लेवल का है, घटिया है, ठीक है, इसको छोड़ दो। और ऊपर से ये उड़ भी गया, तो रहने दो भाई इसको। बहुत ढूंढने के बाद हम फिर से बेस पर आ चुके, क्योंकि थोड़ा सा हमें नारकोटिक भी चाहिए था और डार्ट्स बना लेते और थोड़े से ट्रैंकुलाइजर एरोज और बायोटॉक्सिन और ये सब चीज़ें लेनी है, और फूड भी लेना है और पैटर्न डॉन के लिए। तो ये सब रिसोर्सेज हमें कलेक्ट करने हैं, तो फिर जल्दी से कलेक्ट करते। ओके, थोड़ा सा फूड ले लिया है मैंने कैंप फायर से,
और थोड़ा सा फ्यूनिक्स भाई के लिए रख दिया है अंदर। ओके तो यहाँ पर ये मोर्टल पिस्टर है, ठीक है, यहाँ से गन पाउडर निकालते हैं और फिर बनाते हैं डार्ट्स। अभी क्या चाहिए इसके लिए? स्पार्क पाउडर, स्पार्क पाउडर के लिए चाहिए स्टोन और चारकोल, ठीक है, स्टोन बहुत सारा पड़ा है, डाल देते हैं इसमें। ओके मैक्स देखते हैं कितना बन पाएगा। ओके थोड़ा सा स्टोन हम भी रख लेते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस हमें बोला बनाना पड़ा तो फिर से वो पत्थर वत्थर तोड़ने ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर गन पाउडर मैंने डाल दिया है बनाने के लिए, फिर उससे स्नाइपर राइफल एमो बना लेंगे और फिर उससे डार्ट बना लेंगे। डार्ट से क्या होता है कि जल्दी वो हो जाते हैं, टॉरपोर चढ़ जाता है उससे। और थोड़ा सा इंटरनेट वीक था इसलिए मैंने डिस्कॉर्ड पर नहीं लिया है फ्योनिक्स भाई को, ठीक है, लेकिन अगले वाली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। इस बार बहुत ज़्यादा इंटरनेट वीक था। और ये थोड़े से हमारे ट्रैंक एरोज बन जाएंगे, 27 बना लिए, ठीक है, इसको बनाते और डार्ट्स बनाते और थोड़ा सा सामान कलेक्ट करते और फिर चलते। ओके तो सब चीज़ हो चुकी है और फ्योनिक्स भाई बुला रहे, क्योंकि वो कह रहे कि आगे वाले आइलैंड पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पैटर्न नॉन मिलते हैं, तो चलते हैं फिर। करो भाई ड्राइव करो जल्दी। ओके ये राफ्ट के अंदर घुस चुके हैं और वो जो सामने वाला आइलैंड आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ही दिख रहा है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेगोसॉरस मिलते हैं, पैटरनडॉन मिलते हैं, ब्रोंटो भी मिलते हैं शायद, और एंक्लियो और बहुत सारे डायनोज मिलते हैं, मतलब शाकाहारी नहीं होते, मतलब शाकाहारी होते मांसाहारी नहीं होते। ओके तो फाइनली हम इस वाले आइलैंड पर आ चुके हैं। रात ही ब्रोंटो और काफ़ी सारे जो मतलब वाइल्ड डायनोज होते, वाइल्ड नहीं शाकाहारी जो डायनोज होते हैं वो बहुत सारे दिख चुके हैं, ठीक है। तो अब सर्च करते हैं पैटरनडॉन हाई लेवल का। और ये देखो यही था वो बंदा जिन्होंने हमारा बेस तोड़ा था, तो ये भी बदला निकाल रहे हैं बस, ठीक है, इग्नोर करो। ओके तो हम आइलैंड की दूसरी साइड आ चुके हैं और यहाँ पर ऊपर एक पैटरनडॉन तो घूम रहा है, ये 100 लेवल का है लेकिन ये ऊपर है तो इसको हम नहीं टेम कर सकते। इस पर नज़र रखेंगे, जैसे ये नीचे आएगा इसको बोला कर देंगे, ठीक है, तब तक के लिए दूसरा ढूंढते हैं। ओके तो पीछे एक पैटर्न डॉन तो दिखा था लेकिन उसको नॉक भी कर दिया था, 50% टेम हो चुका था, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। लेकिन हमें यहाँ पर 7 एशियंट एम्बर्स मिल चुके हैं, पता नहीं भाई कैसे स्पॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मिल गए बस। और मैं बताता हूँ आपको सीन, तो पीछे 50% टेम हो चुका था, प्राइम मीट कलेक्ट करके बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, लेकिन सर्वर का इशू आ गया, गेम क्रैश हो गया और सेव ही नहीं हुआ। तो मैंने ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं, छोड़ो इसको, ठीक है, अगला एक हाई लेवल का ढूंढते हैं तो फिर चलते। लेकिन मेरे पास डोडो के दो एक पड़े बेस पे, लेकिन अब जाना तो बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा शार्क है। तो यहाँ से एक राफ्ट बनाते और फिर चलते और सामान लेके आते हैं पूरा एक ही बार में। नारकोटिक भी ख़त्म हो चुका है तो सारा चीज़। ओके तो सब कुछ लेके मैं फिर से यहाँ पर आइलैंड पर आ चुका हूँ। तो अब एक फिर से हाई लेवल का पैटर्न डॉन देखते हैं, मतलब ढूंढते हैं और फिर आपसे मैं मिलता हूँ। सॉरी गाइज, मैंने एक पैटर्न डॉन नॉक भी कर दिया और जिस रिकॉर्डिंग में वो नॉक किया था वो यार क्रैश हो गया, बीच में फ़ोन आ गया था, तो रियली सॉरी यार। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक मैंने इसको फूड नहीं दिया है, इसका टॉरपोर लेवल मेंटेन करते हुए पहले नारकोटिक से और फिर दे देते इसको डोडो की बल। और फूड लेवल भी जहाँ तक भी है ज़्यादा कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई अभी तक। ओके कम पड़ने वाला है भाई, मुझे पता था बस। ओके ये सिंपल सा मीट डाल देते और फिर चलते अब ड्रॉप प्राइम मीट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फास्ट होगा। फिलहाल तो शूटिंग माम नहीं है, लेकिन हाँ अगली वाली वीडियो में जाएंगे केव एक्सप्लोरर करने और आर्टिफैक्ट भी लेकर आएंगे, सूदिंग बाम मिल जाएगी उससे ट्रिपोर्ट मारने से। ओके तो अब कलेक्ट करते प्राइम मीट, फास्ट फॉरवर्ड फिर से देखो। Thank you.
ओके तो एक स्टेगोसॉरस से मुझे दो राउंड प्राइम मीट टू मिल चुके हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। और देखो भाई पूरा आर्मर तोड़ दिया इन स्टेगोसॉरस ने, तो फिर से बेस पर चलते हैं और आर्मर रिपेयर करके आते हैं पहले। ओके तो हम बेस पर आ चुके हैं, अब जल्दी से आर्मर रिपेयर करते हैं और फिर से चलते हैं। और हाँ फ्योनिक्स भाई को कुछ काम आ गया था तो वो थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चले गए, लेकिन थोड़ी देर में बस आ ही जाएंगे। ओके तो इसमें हाइट डाल देते हैं, ये केराटिन और ये सब फालतू चीज़ें, और आर्मर पहले रिपेयर कर लेते हैं। पूरा तोड़ दिया इन्होंने, देख लो भाई कुछ भी आर्मर नहीं मेरे। ओके तो सारी चीज़ रिपेयर करते हैं और फिर से चलते आइलैंड पे। और क्या बहस चल रही काम हम पे। ओके तो सारे आर्मर रिपेयर करके मैं फिर से आइलैंड पर जा रहा हूँ, और ये फ्री गिफ्ट आ गया, इसको कलेक्ट करते हैं। नहीं मतलब कुछ भी इतनी देर से नहीं दिया सुदिंग बाम और अब दे रहे हैं, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, टाइम बच जाएगा अब हमारा। ओके तो अब चलते आइलैंड पे और इसको सुदिंग बाम दे देते हैं जल्दी से। बहुत अच्छा हुआ भाई फ्री गिफ्ट में सुदिंग बाम दे दी। ओके तो हम फिर से आइलैंड पर आ चुके और यही स्टेगोसॉरस था जो इसने मुझे मारा था, इसकी अब मैं वाट लगाऊंगा, रुको बस। हैं बे मुझे कैसे मारा था तूने, हैं आ जा करते वन वी वन। पहले तो आर्मर नहीं था इसलिए ये चौड़ा बन रहा था बस। ले दबा के खा ले बस तू। हेल्थ क्यों नहीं जा रही, हाँ जा रही है जा रही है। ओके बस मरने वाला है और मेरी भी हेल्थ कुछ खास ज़्यादा नहीं है, और देखो भाई अब भागने लग रहा है। ओके फाइनली मर चुका है और मेरी हेल्थ देखो बस तुम कितनी रख दी इसने, 150 लेवल का था, कितनी दी है प्राइम रेट। ठीक है इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ दो ही मिले, इतने तो लो लेवल को मारने के बाद भी मिल जाते हैं, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब चलते इसको सूदिंग बाम देते और देखते कितने रॉ प्राइम मीट में ये टेम हो जाता है। ओके तो प्राइम मीट हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसको ये सूदिंग बाम भी खिला दिए। ओके तो अब देखते हैं कितने बाइट में ये टीम होता है। ओके अब देखते हैं कितने परसेंट हो जाता है भाई। मजा आया मतलब भाई, अब बस एक ही बाइट रह रही है इसकी खाने की। ओके पेट्रेन डॉन टेम हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में। ठीक है तो पहले की तरह रिकॉर्डिंग फिर से क्रैश हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब बनाते हैं बैटलमेंट पर हम वर्क करने लग चुके हैं, थोड़े से और रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे इसमें। फिलहाल तो दो वॉल्स बन चुकी है और डोर फ्रेम भी बहुत रह रही है अभी, तो लगते हैं काम पे। ओके तो ये रहे दोनों पेट्रेन डॉन। ओके तो ये नीला वाला हमारा है और इसका नाम फ्लाइंग जेट रख दिया फियोनिक्स भाई ने, कैसा है मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर से बता देना। ओके और ये है फियोनिक्स भाई का जो कि उसी रिकॉर्डिंग में था जो कि क्रैश हो चुकी है। ठीक है और फियोनिक्स भाई भी फिर से ऑनलाइन आ चुके हैं अब, और अब लगाते हैं वॉल्स। तो देखो भाई 8 वॉल्स जो है बन चुकी है और शायद एक दो वॉल्स और बनानी पड़ेगी। ठीक है तो डिस्कस करके हम लगा देंगे बस अभी। ओके तो अब टाइम आ चुका है वॉल्स लगाने का, और देखते भाई ये करेक्ट लगती है या फिर नहीं। और इस बार भी भाई देखो ये करेक्ट नहीं लगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो इसमें जाना चाहिए यार, ओशन में जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से हम वाटर सप्लाई भी ले पाए उससे। ठीक है अंदर से ही थोड़ा सा वाटर अगर अंदर आ जाएगा बेस के तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो है अंदर जाना चाहिए ओशन के, तो लगाते फिर कैलकुलेशन करके। ओके तो दो तीन वॉल तो फेल हो चुके हैं क्योंकि वो अच्छी नहीं लगी थी, मतलब जगह पर नहीं लगी थी, तो देखते भाई ये वॉल अच्छी लगी है या फिर नहीं। ओके तो सही लगी है, मतलब अंदर से जो इसी थोड़ा सा टेढ़ा है इसका, मतलब यहाँ से अगर हम वॉल लगा देंगे तो थोड़ा सा अंदर पानी रह जाएगा। ओके तो ये वॉल लग चुकी है और यहाँ पर अब लगानी है डोर फ्रेम। इसके बाद का सारा काम अब ईजी हो चुका है, मतलब बस एक वॉल लगाना ही थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है इतना भी हार्ड नहीं था लेकिन हाँ थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है तो ये डोर फ्रेम भी हम लगा देते हैं, देखते हैं कैसे लगे हैं कहाँ पर हैं भाई, लगी नहीं ये देखो भाई कहाँ पर लगी है, आर के सस्ते नशे। ठीक है तो अब लगाते इसको।
सही से ढंग से लगाते अब। ओके तो पता है नीचे से थोड़ा सा वो रह गया है गैप, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर मेटल की स्पाइक वॉल या फिर कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगा लेंगे। ठीक है तो अब चलते अगली वॉल लगाते हैं। ओके तो यहाँ पर एक वॉल लगेगी और फिर वहाँ से मतलब सीधी चली जाएगी। ठीक है ये परफेक्टली लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक डोर फ्रेम लगा हुआ था, उसके चिपक से ये लग गई है। ठीक है चिपक के लग चुकी है। ओके तो यहाँ से अब ऐसे सीधी वॉल चली जाएगी और ये पैरासोरस देखो कहाँ पे घुसा हुआ है, ये देखो बस इसके नशे देखो तुम। इसको हम ऐसे ही रहने देते, फियोनिक्स भाई कह रहे भाई इसको ऐसे रहने दो, ये हमारी मतलब बेस की शान बढ़ाएगा। तो ठीक है भाई आपकी मर्जी। ठीक है तो ये वॉल भी कुछ कैसी लगी, हाँ यहाँ पे सही लगेगी। ठीक है तो लगा देते हैं आप, लगी भी है या फिर नहीं, हाँ लग चुकी है और परफेक्टली लग चुकी है। यहाँ पर एक और बैटलमेंट वॉल लगेगी क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी वॉल। देखो यहाँ पे अगर डोर फ्रेम लग जाएगी तो वो अजीब लगेगा। ठीक है तो ये पेड़ काट देते यार, हट जा भाई तू जल्दी। ठीक है तो यहाँ पर एक और बैटलमेंट वॉल लगा देते और फिर उसके बाद लगाएंगे हम वो क्या कहते उसे डोर फ्रेम। ओके तो ये लग चुकी है, अब देखते हैं ये कैसी लगी है। ठीक है मतलब अच्छी तो लग रही है भाई और हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब सेफ्टी तो फुल होने वाली है इससे। ओके तो यहाँ पर एक डोर फ्रेम लगने वाली है जो कि हमारे पास नहीं है, रिसोर्स कलेक्ट करके फिर से बनानी पड़ेगी तो बनाते हैं फिर। ओके तो फाइनली 10 मिनट बाद रिसोर्स कलेक्ट करके ये वो ये जो डोर फ्रेम है ये बन चुके हैं, लेकिन लग नहीं रही है यहाँ पे, ये तो इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो रुको लगाते हैं जुगाड़। ओके तो जैसे तैसे करके यहाँ पर लग रही है, देखते हैं कैसी लगी है। तो नहीं यार ये गलत लगी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप रहता है। ओके तो फाइनली ऐसी लगने वाली है ये डोर फ्रेम, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगने वाली, बस इसको लगा देता हूँ मैं और सारा कुछ सारी बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। फाइनली पूरी बाउंड्री जो है कम्प्लीट हो चुकी है और हाँ यहाँ पर ये गैप रह चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर फेंस फाउंडेशन के ऊपर मतलब दो तीन वॉल की लेयर बना देंगे और ये मैं ऑफ वीडियो करूँगा यार क्योंकि वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और लिटरली बता रहा हूँ मुझे 4 घंटे हो चुके हैं बैठते हुए। हाँ और वीडियो में बहुत ज़्यादा फनी सीन थे, लेकिन वीडियो मतलब 4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी इसलिए यार मैं वो सीन नहीं दिखा पाया, क्योंकि 4 घंटे की रिकॉर्डिंग यार 15-20 मिनट में वो एकदम शॉर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो रियली सॉरी यार, लेकिन अगली वाली वीडियो में यार वो सारे सीन्स में डाल दूँगा, फनी सीन्स भी आएंगे और नॉलेजेबल सीन्स भी आ जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ ये भी सीढ़ियाँ भी बनाई थी मैंने जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई शायद, ये मतलब सस्ते जुगाड़ लगा के बनाई थी मैंने, जो राउंड वाली सीढ़ी थी वो उससे चलते चलते गिर जाते थे। ठीक है और वहाँ पर फेंस फाउंडेशन भी लगा दूँगा मैं, मतलब फाउंडेशन नहीं वो रीलिंग्स लगा दूँगा जिससे कि हम नहीं गिर पाएंगे। ठीक है तो ओके तो आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट में जाकर ज़रूर से बता देना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, मल्टीप्लेयर सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, और फियोनिक्स भाई के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से चेकआउट कर लेना क्योंकि 2-3 पार्ट मैं डालूंगा और उसके बाद फियोनिक्स भाई भी कंटिन्यू करने वाले हैं सीरीज़ को। और हाँ उनके चैनल पर फिलहाल तो BGMI के वही है मतलब मॉन्टेज वीडियो ही है, लेकिन कुछ दिन में वो भी स्टार्ट कर देंगे आर की सीरीज़, तो मेक श्योर कि आप उनके चैनल को भी चेकआउट कर ले और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। और हाँ
मुझे मत भूल जाओ यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। और हाँ, हमारे 200 सब्सक्राइबर होने ही वाले, तो जल्दी से क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। सो बहुत हो गया प्रमोशन, अब वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।